जी नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देखने वाले हैं लूसेंट बुक का, जो कि सामान्य ज्ञान की आती है और ये फुली जो है आपके लिए ऑनेस्टली रिव्यू रहेगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो सामान्य ज्ञान की बुक है दोस्तों, अगर आप बुक खरीदने जाते हैं, बुक स्टॉल पर भीड़ रहती है, इसकी वजह से आप सिलेक्शन नहीं कर पाते सही से, देख नहीं पाते बुक को, तो वो सारा काम मैं आपको इस 5-6 मिनट में बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। इसमें क्या क्या जानकारी है, किस प्रकार की, कैसा कंटेंट है, कैसा इंडेक्स है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, किस प्रकार से दिए गए हैं, तो ये सारी बातें अपन करने वाले हैं दोस्तों। अगर देखें तो इस बुक की लेंथ ये है, पिछली बार की तरह, मतलब ये नया एडिशन है और नए एडिशन में इस बुक की लेंथ काफी जो है बढ़ाई गई है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और बाकी इसकी बाइंडिंग जो है वो पहले जैसी मजबूत ही बाइंडिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम दृष्टया अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपका जो है इसमें दिया हुआ है कुछ चीजें जो है, जिसे आप पढ़ सकते हैं पब्लिकेशन के बारे में। यहाँ पे आपके लिए जो मूल्य दिया हुआ है 282 रुपये, हालांकि ये आपको मार्केट में कम प्राइस में भी अवेलेबल हो जाती है, 200 से लेकर 230-20 के बीच में आपको मिल जाती है, जहां पर भी आपके देखो मार्केट के हिसाब से वो डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, देखो ये लुसेंट पब्लिकेशन है, लेखक कौन है, सुनील कुमार सिंह महोदय लेखक हैं, और इनके नंबर और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो देखिए इंडेक्स देखते हैं अपन, और इंडेक्स इसमें इस प्रकार का दिया हुआ है। काफी सारी बुक्स में क्या होता है कि इंडेक्स जो है सारिणी के माध्यम से देते हैं, लेकिन इसमें सारिणी नहीं है। इसमें आपके लिए देखो इतिहास, उसके बाद इतिहास में मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास भी इसमें शामिल है। भूगोल, भूगोल में ब्रह्मांड से देखो सौर मंडल है, ब्रह्मांड से लेकर जो है यहाँ पे भारत का भूगोल भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है, ठीक है, अलग से, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था अलग से है, भारतीय संविधान फिर अलग से है, पॉलिटी को जिसमें रखा गया, तो इसके भी ये सारे अलग अलग टॉपिक है, जैसे अलग अलग टॉपिक से आपको दर्शाया गया है सारी चीजें। तो आप देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, ठीक है, ये आपने ले लिया इतना। अब आप भूगोल का और अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था का ले सकते हैं, उसके बाद आप भारतीय संविधान का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो कला संस्कृति अधिक नहीं है भारत की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। भौतिक विज्ञान भी इसमें शामिल है, रसायन विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, खेलकूद, विविध विविध में ऐसे सवाल आपके ज्यादा बनते हैं, तो ये विविध आपको आने ही चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसमें इतिहास की, पहला ही लेशन जो कि आपको एक पेज में दो ब्लॉक मिलेंगे, यानी दो पैराग्राफ मिलेंगे, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये आपको देखो ब्लैक एंड जो आपका रेड, दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन बताया गया। फॉन्ट साइज जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये फॉन्ट साइज छोटी ही है, ठीक है। और बाकी पेज की क्वालिटी की बात करें, पिछली बुक थी, पिछला एडिशन था, वो सेम ही है और लिखावट भी सेम है, तो उसमें कुछ एड ऑन किया गया है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें कुल पेज की बात करें, पेज हम लास्ट में ही, खैर इसमें पेज जो है हम बात करें तो 442 पेज है कुल, कितने हैं, 442 पेज है कुल इस बुक के, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये वन लाइनर अप्रोच पर ये बुक है कम्प्लीटली, देख सकते हैं आप, है ना, इतिहास हो चाहे भूगोल हो चाहे कोई भी हो, वन लाइनर अप्रोच पर ये बुक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये सारिणी के माध्यम से भी आपको बताया गया है, तो इसको भी जो है ना हाईलाइट कलर भी किया गया पीछे, जैसे देख सकते हैं ये जो रेड कलर किया गया ना, लाइट रेड कलर जिसे हम कह सकते हैं, फीका रेड कलर किया गया, तो ये सारिणी के माध्यम से भी बताया गया आपको। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये भूगोल है, तो भूगोल में भी जहाँ सारिणी की जरूरत है वहां पे सारिणी देखने को मिलेगी, और बाकी ये भी आपको वन लाइनर अप्रोच में देखने को मिलेगा। प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक के पीछे कोई प्रश्न हो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, आप यूं कह लो वन लाइनर अप्रोच पर थ्योरिटिकल बुक है ये, ठीक है, वन लाइनर अप्रोच पर थ्योरिटिकल बुक है। आप इसको किस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं ये भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये बुक है, और पीछे साइड में जो हम देखते हैं, जो आप कहें ना ये
हमने बात करी ना विविध, तो विविध में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये तो खेलकूद है, अभी खेलकूद से पहले ये देखते हैं अपन कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना है। तो कंप्यूटर भी दोस्तों देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ऊपर ऊपर लेवल का जो भी है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी है वो हालांकि आपको मिल जाएगी, जो कि हम अधिकतर पढ़ते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही सीमित है, बाकी इंटरनेट के कुछ एक जो टॉपिक है दिए हुए हैं वो भी पैराग्राफ के रूप में है। तो इतना ज्यादा हम कहें तो कंप्यूटर को आप 2.5 पेज में इसमें निपटाया हुआ है, इसमें 2.5 या देखो 2-2 3 पेज में ना, पृष्ठ की बात करें तो 3 पृष्ठ है ये। ओके, तो इस प्रकार से खेलकूद को भी इतने ही पन्नों में जो है निपटाया गया है। लेकिन अगर कहें हम तो एग्जाम की, देखो बहुत डीपली अगर पूछे, जैसे एग्जाम पर्टिकुलर किसी एग्जाम की बात करें कि भाई इतिहास का कोई एग्जाम है अपना, हिस्ट्री का है ना, मान लो कि फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके लिए ऐसा अब ये नहीं है कि भाई भूगोल का है भूगोल यहाँ से पढ़ ले, नहीं इतना डीपली इसमें नहीं है। आप अगर किसी भर्ती परीक्षा की, जैसे आर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए इस बुक के साथ बिल्कुल बेझिझक आप जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में इसी लेवल का पूछा जाता है। और अगर हम बात करें और एग्जाम की, तो एसएससी हो गया जैसे है ना, और रेलवे वगैरह एग्जाम हो गए, और भी जैसे राजस्थान के काफी सारे एग्जाम्स जैसे है ना, SIA वगैरह एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम के लिए आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। तो ये इसका बैक साइड से इसका ये बिल्कुल कवर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बुक का रिव्यू जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको जिस जानकारी की जरूरत थी वो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इस बुक को लेकर और भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें जरूर लिख सकते हैं, किस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आपको इंडिया जीके के नोट्स जो है हम फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, कहाँ पे, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज जो आप करेंगे व्हाट्सएप पर, उसके नंबर यहाँ पे दिए हुए आप देख पा रहे हैं, तो जरूर जरूर करें। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगली क्लास में या फिर किसी रिव्यू वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।